नाउ so स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि जब हमने अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना है अपना ई कॉमर्स स्टोर आफ्टर सम टाइम हमने अभी सेटअप करना है तो उस ऑनलाइन स्टोर के की कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे मतलब ये है कि जो चीज आप क्रिएट करने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने जा रहे हैं तो यू नीड टू नो कि उस ऑनलाइन स्टोर के की कॉम्पोनेट्स क्या हैं यानी वॉट विल कंट्रीब्यूट यानी क्या होगा तो आपका आ, अपना ऑनलाइन स्टोर रन होगा नंबर वन नंबर टू उसको सेटअप करने के बाद हाउ यू विल मेक श्योर कि आप उसको यू नो कंसिस्टेंटली रन भी करते रहें तो पहली जो सबसे की और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से दैट इज एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अ वेरी वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस से मुराद ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस तो इसका मतलब है कि आपका स्टोर इंटरनेट पे मौजूद होगा सम हाउ वो तो अंडर uh, सी बात है और यह भी हमने कुछ टॉपिक uh, पहले डिस्कस किया था कि जैसे ही जब हम ये कह रहे हैं कि हमने uh, अपने स्टोर को ऑनलाइन लेके जाना है तो इसका मतलब है कोई ना कोई डोमेन नेम भी हमने परचेज की होगी एंड वी हैव सीन प्रीवियसली कि हाउ वी कैन परचेज़ आ डोमेन नेम by यूजिंग वन एंड वन डॉट कॉम जो यहां पर डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि डोमेन नेम शुड बी आई कैचर आई कैचर से मुरादी होती है कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो डोमेन है वो किसी और चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो चीज आप सेल आउट करने जा रहे हैं वो कोई और चीज है इससे मुराद ये है कि आपका जो डोमेन नेम है दैट शुड बी यानी लोगों को Uh, थोड़ा सा आई कैचिंग लगे अच्छी लगे जरा सुनने में अच्छी लगे अब ये प्योरली मार्केटिंग का डोमेन है लेकिन जो भी डोमेन नेम आपने परचेस करना है इट शुड लुक गुड टू द टू द टारगेट ऑडियंस अगर खाने से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल खाओ पियो तो उसे कुछ मैसेज आ रहा है इट इज रिलेटेड टू समथिंग ईटिंग कुछ खाने पीने की बात होगी ये एक एग्जाम्पल है आई मीन यू टैन टू डिफर आप अपनी भी कोई डोमेन सेटअप कर सकते हैं तो द होल पॉइंट इसके डोमेन नेम जो है वो रिलेटेड होना चाहिए और आई कैचर होना चाहिए नंबर वन नंबर टू जो बहुत ज़रूरी बात आपने अक्सर देखा होगा आप अगर यूट्यूब की वीडियो देखें या गूगल पे जाएं या इवन फेसबुक अगर आप ब्राउज कर रहे हैं तो एट टाइम ये होता है कि आप एक वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के दौरान ही पाँच दस सेकेंड का एक एड आ जाता है That is a paid मुराद ये है, कि आपको जो है वो एक तो कंटिन्यूस रखनी है और एक चैनल पे ही रखना नहीं एक जरिए से लोगों तक तो नहीं पहुंचना मल्टीपल जरिए से पहुंचना है चैनल्स कौन कौन से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं एडवर्ड है यूट्यूब है एडसेंस है फेसबुक है आई मीन दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स सो द मार्केटिंग एक्टिविटी शुड बी कंटिन्यूस यानी ऐसा नहीं अमूमन कंपनीज क्या करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कुछ कैंपेन्स वीकेंड में चला देती हैं कुछ स्पेसिफिक वीक डेज में चलाती हैं कुछ स्पेसिफिक डेज के ऊपर ज़्यादा चलाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है तो लट्सपोज ईद आ रही है या चौदह अगस्त आ रहा है तो उसके इर्द गिर्द हफ्ता पहले या दस दिन पहले ज़्यादा कैम्पेन्स चलाती हैं ताकि लोगों को मार्किटिंग अवेयरनेस रखें दूसरी चीज एक तो ये तो हो गया स्पेशल डेज या मार्केटिंग कैंपेन दूसरी चीज ये है कि आपने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको आपने रेगुलरली अपडेट रखना है रेगुलरली अपडेट से मुराद ही होती है कि जो हमने फेसबुक का पेज बनाया था फिर हमने उसको मार्केट किया था उसको बूस्ट किया था वो हमने क्या किया था एक्चुअली कि जो आपकी पोस्ट जो आपका पेज लोगों तक तो पहुंचेगा वो उस पेज को लाइक भी कर सकते हैं फॉलो भी कर सकते हैं तो फॉलो से मुराद ये है कि जैसे ही आपके फेसबुक पेज के ऊपर कोई नई अपडेट आएगी ऑटोमेटिकली जो लोग आपके पेज को लाइक like कर रहे होंगे या फॉलो कर रहे होंगे उन तक अपडेट चली जाएगी दैट मीन कि आपके वेबसाइट या आपका फेसबुक वो है इट शुड बी कंटिन्यूसली अपडेटेड इन रियल टाइम रियल टाइम से मुराद है कि अमूमन अक्सर वोट आई ऑब्जर्व इज के कुछ वेबसाइट्स होती हैं उसमें अगर आप देखें ना बॉटम में लिखा होता है लास्ट अपडेटेड लेट्स सपोज टू थाउजेंड से मुराद ये बिजनेस खुद ही बंद करने के तरफ जा रहे हैं रीजन के आप अपने से, यानि आप, आपने अपने क्लाइंट से फॉर एग्जाम्पल दो हजार सतारह में बात की थी वाया वेबसाइट दिस इज यू नो बड़ी खतरनाक चीज है ये so तो आपको रियल टाइम में यानी फॉर एग्जाम्पल कोई नया प्रोडक्ट आया फॉर एग्जाम्पल तो आपने वेबसाइट पे एक तो अपडेट की और प्रोडक्ट को तो अब लोगों को बताना भी तो है कि ये वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपडेट हो गई है कोई अगर नई प्रमोशन आ रही है कोई अगर नई ऑफर आपकी कंपनी या आपका ब्रांड लॉन्च कर रहा है तो खाली वेबसाइट पर डाल देना इज नॉट अनफ दीज डेज फ्रेंक स्पीकिंग होल डिस्कशन इज कि यू शुड हैव अ वेरी एक्टिव एक्टिव प्रेजेंस वन इन मल्टीपल चैनल्स यानी फेसबुक गूगल यूट्यूब एंड सो ऑन एंड दूसरी कि इट शुड बी मोर फ्रीक्वेंट यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कंपेन चलाई आप यू यू you नो know, दो महीने सकून से बैठ गए चलो जी अब इस कंपेन का रिजल्ट देखते हैं ऑनलाइन बिजनेस ऐसे कतर नहीं चलता ऑनलाइन बिजनेस के अंदर यू नीड टू कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट एंड मॉनिटर आपको कंटिन्यूसली ऐसी डील्स ऐसी प्रमोशंस लेके आनी पड़ती हैं या लेके आनी पड़ेंगी टू कीप योर सेल्फ अवेलेबल in the online ecosystem, otherwise you will be fed out because it's an intense competition billions of websites, are. so if you keep your product in the competition you have to have a very very good active online presence otherwise uh, your website is not going to pay you off